हेलो एवरीवन माय नेम इज़ अभिषेक और स्वागत करता हूँ मैं आप सबका फिर से अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज वैसे तो हमने ये जब हमने न्यूटन्स सेकेंड लॉ पढ़ा था उसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के तहत जितने भी पॉसिबिलिटीज होते हैं जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमरिक्स उसमें हम ले सकते थे उसमें हमने लेने की कोशिश किया है

तो जल्दी से हेडिंग दे दीजिए यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर लिनियर मोमेंटम क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम जैसे देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ आप बोलेंगे सर समेशन ऑफ एम आई वी आई अपॉन द टोटल मास ऑफ द बॉडी वही आई से लेकर वन तक आई से लेकर वन अपू एन इज यहाँ तक सिंप क्लीर अगर मैं आपको बोलूँ वॉट इज मोमेंटम ऑफ द बॉडी तो आप बोलोगे सर मास ऑफ द बॉडी इंटू वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं देखिए एम से एम तो कैंसल हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा एम इंटू समेन ऑफ एम आई वी आई अपॉन क्या लिखेंगे सो मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा समेशन ऑफ एम आई वी आई मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मतलब क्या बेटा सभी पार्टिकल्स के मास और उनके रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज का एडिशन मतलब पूरे बॉडी का मोमेंटम अब मोमेंटम जो है ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है इसलिए जब भी हम एडिशन करेंगे तो विक्टोरिकली ऐड करेंगे मतलब बेसिकली कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मोमेंटम रहेगा सिस्टम का सिस्टम का जो मोमेंटम रहेगा या फिर बॉडी का मोमेंटम हम कह सकते हैं बॉडी को अगर हम सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो दैट विल बी एम वन वी वन बार प्लस एम टू वी टू बार अप टू सो ऑन कहा तक एम एन वी एन आर यहां तक तो क्लियर अब अगर हम यहां पर इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मद्देनजर देखने की कोशिश करें तो हम क्या यहां पर यह कह सकते हो बेटा कि रेट फोर्स ऑफ फोर्स एटिंग ऑन एनी बॉडी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब बेसिकली क्या मैं ऐसा कह सकता हूं यहां पर फोर्स इज नथिंग बट मास एम M से एम M, अगर कैंसिल करूं तो मैं ये भी कह सकता मास ये भी हम कह सकते हैं इसी को अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल में मास मास कर दू तो वापस मुझे बेटा कौन सा ये वाला अब ध्यान दो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी को मैं क्या लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डी पी बाई डी टी या फिर हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि मोमेंटम को ये जो इक्वेशन है हमारा कौन सा ये वाला, पी तो समेशन या फिर ये वाला वाला समेशन ऑफ ऑफ या फिर मोमेंटम द सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा एम वन वी वन प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे एम टू वी टू अपू सो ऑन कहा तक बेटा एम एन वी एन तक यहां पे मैं लिख सकता हूं कि डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोर्ड साइड्स डिफरेंट शेटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलेगा हमें यहां पर डीपी बाई डी टीव टू डी बाई डी टी ऑफ कंप्लीट दट इज एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस सो ऑन अपू एमएन वी एन सो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एक्सटर्नल फोर्स अपन लिख सकते हैं यहां पर

कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा है वही वापस से बात है ना क्या लिखेंगे हाँ हम यहां कि इफ इफ नो एक्सटर्नल इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सिस्टम एक्टिंग ऑन द सिस्टम अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है देन देन द मोमेंटम मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कंजर्व या फिर कांस्टेंट कंजर्व या फिर कांस्टेंट मतलब ही क्या मतलब ही ये बेटा कि जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम रहेगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम

और जानने की क्या क्या है कोशिश किया है क्या कि अगर सिस्टम पे कोई बाहरूनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है वो नहीं लग, ऐसे नहीं कि नहीं लग रहे लेकिन अगर सबका नेट सम जो है है वो अगर जीरो इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन सिस्टम देन जो सिस्टम के सभी पार्टिकल्स का इनिशियल मोमेंटम का वैक्टर एडिशन रहेगा वही सिस्टम के फाइनल मोमेंटम वही सिस्टम के फाइनल मोमेंटम का भी वेक्टर एडिशन रहेगा मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वैक्टोरिकली चार पांच दस बारह बीस पार्टिकल्स का भी सिस्टम हो सकता है दो पार्टिकल का भी सिस्टम होता है ऐसे है कुछ भी यहाँ पे हो सकता है तो आप यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम सिंपल आप ये एक्टिंग ऑनस्टम इज हीरोन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे की पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल ऑफ दिस्टम दैट ये गोल्डन स्टेटमेंट ये पूरे इसका क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल से आप हम जानने की कोशिश करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर पहला वही हमारे पिछले मॉडल्स वाले न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन फर्स्ट हम यहाँ पे ले लेंगे गन वाला गन और बुलेट वाला ठीक है अब जैसे मान लो ये कोई गन है बंदूक की गोली थोड़ा बढ़िया बना देते गन विन ठीक है ये होगी गन ट्रिगर विगर गोली उसमें से निकलने वाली ठीक है अब देखिए मास ऑफ गन मैं यहाँ पे आपको देता हूं कि मास ऑफ गन हम यहाँ पे ले लेंगे दो के जी की गन ले लेते मास ऑफ़ बुलेट जो है ये, ये क्या होगा गोली जाएंगी आगे और गन खा रिकॉइल पीछे करेंगी ऐसा क्यों हुआ देखो क्योंकि इनिशियली जो सिस्टम था हमारा गन प्लस बुलेट उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था जीरो था कितना था जीरो अब फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए क्यों सर क्योंकि ये सिस्टम पे कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो जो इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल होना चाहिए लेकिन सिस्टम पे अभी हम ये सिस्टम को हमने दो मासिस में हमने इसको कैटेगराइज कर दिया कि मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट तो इनिशियली मास ऑफ गन तो हाथ था लेकिन वेलोसिटी नहीं था मास ऑफ बुलेट भी है लेकिन वेलोसिटी नहीं था तो इनिशियल जो मोमेंटम था सिस्टम का वो क्या था आपका बेटा जीरो ही था इनिशियल मोमेंटम क्या था सिस्टम का जीरो अब जैसे आपने फायर किया तो बुलेट आगे गई तो मोमेंटम नॉन जीरो हो गया सिस्टम का भी क्योंकि आगे गई तो उसको जीरो करने के लिए गन का कार्वल करेंगे पीछे ताकि प्लस माइनस अब आप बोलेंगे सर प्लस माइनस कैसे अपोजिट डायरेक्शन ना अपोजिट डायरेक्शन ना इसका अर्थ क्या है कि मोमेंटम एक्टर क्वांटिटी है इसलिए प्लस और इधर का माइनस ये मिलकर वापस से क्या बना देगी उसको जीरो तो जितना मोमेंटम से गन आगे जाएंगी सॉरी बुलेट आगे जाएंगी उतने मोमेंटम से गन पीछे जाएंगी लेकिन फर्क इतना रहेगा क्योंकि मोमेंटम दोनों का सेम है मोमेंटम सेम है अगर मोमेंटम दोनों का सेम है मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलासिटी तो अगर मोमेंटम आपका क्या रहा बेटा कॉन्स्टेंट तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि एम वी भी क्या हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट तो मास विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ का मास क्योंकि ज्यादा है तो थोड़ा स्लो वेलोसिटी से पीछे जाएंगी एज कंपेयर टू बुलेट की वेलोसिटी क्योंकि उसका मास कम है बुलेट का मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है ताकि पी उतना ही बने है ना यहाँ से अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं अब जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वेलोसिटी ऑफ बुलेट मान लो है पाँच सौ पांच सौ मीटर पर सेकेंड तो बताइए गन की वेलासिटी क्या रहेंगी तो वही इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम इफ एफ एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो देन वी कैन से द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज टू फाइनल मोमेंटम वॉट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बेटा मास ऑफ गन इंटू इनिशियल वेलासिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल ऑफ द बुलेट इज इक्व टू मास ऑफ गन इंटू फाइनल वेलासिटी ऑफ गन

क्योंकि आपकी गर्ल रिकॉर्ड करेंगे पीछे बुलेट जाएगा आपका आगे है ना चलिए इसको सॉल्व कर लेते तो आप इसको कैप लिख सकते हो डायरेक्शन भी आप यहां पे लिख सकते हो अगर आपको लगता तो हूँ टू वी जी है ना ये फिर रहने दो यार कैप यारगे ठीक है फिर लिए रहने देते हैं वीजी प्लस ये कितना हो जाएगा आपका देखो फाइव हंड्रेड इंटू टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हंड्रेड है ना तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि टू वी जी का वैल्यू जो मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा तो वी का वैल्यू इतना स्पीड से गन पीछे जाएंगी सर कुछ ज्यादा ही नहीं लेनी है जाने दो ठीक है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे बेटा माइनस फिफ्टी मीटर पर सेकेंड माइनस फिफ्टी मीटर पर सेकेंड अब देखो यहां से आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते थे कैसे देखो मास 200 ग्राम का कितना गुना है ये दो के जी गुना तो वेलोसिटी इससे दस गुना कम रहेंगी मतलब पचास ज्यादा ही हो गया एकदम पचास मीटर पर सेकेंड से थर्ड से पीछे नहीं आएंगे लेकिन ठीक है अभी वैल्यूज थे तो आ गया क्लियर है तो ये हो गया पहला टाइप दूसरा टाइप देखिए ये हो गया गन और बुलेट वाला टाइप हो गया गन और बुलेट वाला टाइप दूसरा टाइप देखेंगे चलो दूसरा टाइप क्वेश्चन टू कि जैसे मान लो कोई एक बॉम्ब था ठीक है इसका मास अपन ले लेंगे फाइव के कितना ले लेंगे फाइव के अब मान लो ये बॉम्ब इनिशियली तो रेस्ट में था जैसे ये हो गया, एक पार्टिकल चला गया दिशा में दस, दस ले ले हाँ सेकंड कितना ले लेंगे पंद्रह मीटर पर सेकंड से एक दस तीन के का पार्टिकल इधर चला गया तो सवाल यह है कि दूसरा पार्टिकल कहा जाएगा और कितने गति से जाएगा ठीक है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्स टू फाइनल मोमेंटम वट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो वट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इट इज पी वन प्लस पी टू इसको बार कर देते अपन मतलब दो पार्टिकल्स है ना तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था क्यों क्योंकि बॉम्ब में जितने भी पार्टिकल्स थे सभी रेस्ट में थे इनिशियल मोमेंटम जीरो फाइनली ये जो बॉम है दो टुकड़ों में टूट गया तो P1 वन प्लस पी टू है ना अब P1 वन क्या है देखो वट इज ये इसको बोल देते P1 सो so, इज पहले पार्टिकल का मूवमेंट मास कितना है बेटा तीन कितना है बेटा है पंद्रह और डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो लिख देंगे आई कैप तो P1 वन बार हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 45 फाइव आई कैप के जी मीटर पर सेकेंड पी टू हमको निकालना है वट इज पी टू पी टू मास पता है हमको कितना दो के जी कैसे सर अरे अगर पांच के का था तीन केजी का, एक के गया तो दूसरा दो के जी कह रहेगा इंटोवेलॉसिटी पता नहीं तो लिखेंगे यहाँ पे वी कुछ तो भी है ना वी आई कैप लिख देते यहाँ पे के मीटर पर सेकेंड के मीटर पर सेकेंड चलो लिख देते यहाँ पे वैसे के वैसे के, वैसे के मीटर पर सेकेंड चलो लिख देते यहाँ पे वैसे के वैसे हम जीरो पी वन इट इज फोर्टी फाइव आई कैप प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे टू वी आई कैप तो क्या हो जाएगा बेटा ये टू वी आई कैप इज क्या हो जाएगा माइनस फोर्टी फाइव तो V क्या हो जाएगा आपका बेटा V हो जाएगा आई कैप नहीं नि... ये कहा गया 45 है ना तो ये हो जाएगा बेटा 45 टू. 45 टू. इसका अर्थ क्या है बेटा कि V जो हो गया आपका वो कितना माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड आई कैप भी आप लिख सकते माइनस में इसका अर्थ पता है क्या है इसका अर्थ ये है कि जो आपका ये वाला मास है ये कितने वेलोसिटी से पीछे गया बेटा साढ़े बाईस मीटर पर सेकंड इतनी गति से पीछे गया क्यों क्योंकि मोमेंटम जीरो करवाना था मोमेंटम जीरो करवाना था तो इसकी जो गति रहेगी दैट वुड कितना वुडा ट्वेंटी टू पॉइंट मीटर पर सेकेंड इसकी जो गति रहेगी कितना आपका ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी विथ विच इट हैज मूव बैकवर्ड और सही भी है देखो मास का रेशो क्या आ जाएगा ये कितना कह बेटा टू के जी और ये कितना रहेगा बेटा साढ़े बाईस मीटर पर सेकेंड तो देखो मास का रेशियो क्या है टू इस तो टू थ्री तो वेलोसिटी का रेशियो रहेगा बेटा थ्री टू है ना साढ़े सात टू जार साढ़े सात थ्री खत्म तो इस तरह से कॉन्सेप्ट चलते हैं हमने तो दो नहीं तीन न्यूमेरिकल वाला भी लिया है यहाँ पे इसके ऊपर बढ़िया केमिस्ट्री से ओरिएंटेड भी न्यूमेरिकल्स बनते पता है कैसे कि जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पे कि जैसे मान लो आपको बोलेंगे कोई एक न्यूक्लिया है मदर न्यूक्लिया फिर न्यूक्लिया बोलेंगे ठीक है बोलेंगे कि भाई साहब ये कार्बन का न्यूक्लिया आपको यहाँ पे बोल देंगे तो इसमें जितने नंबर ऑफ उत... अब जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मास अपन मासडर नहीं करते ज्यादा तो मासन कंसिडर करते किसका कंसिडर करते न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का ही और वो किस में होते वो न्यूक्लियस में ही होते तो मान लो ये न्यूक्लियस है जिसका एटोमिक नंबर है ए ऐटोमिक नंबर है जेड और एटोमिक मास नंबर है बेटा ए तो इसका जो टोटल मास रहेगा मान लो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उनका मास सेम है तो इसका एक्चुअली मास कितना है बताओ न्यूक्लियस मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है मास ऑफ एन यू यू सी एल ई एस मास ऑफ न्यूक्लियस हम ले लेंगे यहां पे कितना बेटा ए माइनस जेड नंबर ऑफ कौन है न्यूट्रॉन्स है प्लस जेड नंबर ऑफ क्या है प्रोटॉन्स है तो जेड प्रोटॉन्स का मास जेड एम और ये तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी सीधा सीधा आंसर क्या रहेगा बेटा एम एम ए मास इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्योंकि टोटल न्यूक्लियस कितने हैं ए हैं तो जितने न्यूक्लियस हर न्यूक्लियस का मास सेम तो मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया एम ए अब मान लो इसमें से दो एक एक न्यू एक एक न्यूक्लियन जो है चाहे इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकल गया बाहर निकल गया ये पहले रेस्ट में था तो मान लो एक प्रोटॉन यहाँ पे पीछे चला गया तो एक मास एम पीछे चला गया तो इधर कितना जाएगा अभी इधर जाएगा आपका कितना एम इंटू ए माइनस वन ये मास इधर जाएगा सो so, इसको कहा जाता है बेटा डॉटर न्यूक्लिया इसको कहा जाता है डी एच ठीक है तो पूछेंगे आपको कि अगर इसका, इसका वेलोसिटी वी था, तो, तो देखिए पहले इनिशियल मोमेंटम क्या था न्यूक्लियस का जीरो फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा इसका आपको दिया लिखूंगा तो माइनस एम वी नॉट आई कैप क्योंकि इधर जा रहा है मास इंटू वेलोसिटी प्लस वो कहा जाएगा बेटा ऑब्वियसली उधर ही जाएगा तो लिखेंगे यहां पे एम ए माइनस वन आई कैप मास इंटू वेलोसिटी तो अगर मैं उसको इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू एम ए माइनस वन ये मास हो गया ना इंटू वेलोसिटी लिखना पड़ेगा मान लेते इसकी वेलोसिटी वी मान लेते आई कैप तो ये हो जाएगा वी आई कैप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा एम नॉट वी कैप तो इसका आंसर क्या बनेगा वेलोसिटी का देखो एम से एम से एम क्या हो जाएगा बेटा कैंसल है ना इसका वेलोसिटी कितना था इसका वेलोसिटी था वी

तो अगर ये एम वी माइनस आई कैप तो ये एम ए माइनस वन प्लस आई कैप इसका वेलोसिटी क्या रहेगा v पकड़ लेते इसका वेलोसिटी क्या है v नॉट तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो था ये न्यूक्लियर का फाइनल मोमेंटम क्या है माइनस वी आई कैप कैप खत्म दैट इज द आंसर तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो कुछ केमिस्ट्री से अलाइन न्यूमेरिकल्स भी अगर आपको कभी फिजिक्स में पूछे गए तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वो एक स्पेशल न्यूमेरिकल की ओर चलिए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है क्या क्वेश्चन है देखिए बढ़िया एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है श्री डी सी पांडे में से देखिए जैसे मैं यहां एक प्लैंक बना देता हूं दिस है ठीक है और उसके ऊपर यहां पे एक इंसान है इंसान इंसान ओरिजिन पे ओरिजिन पे कौन है यहां पे आपका एक इंसान है ठीक है यहाँ पर एक इंसान है इंसान हंसता खिलता है इंसान का मास है सिक्सटी के मान लेते और प्लैंक का मास है ट्वेंटी के मान लेते और प्लैंक का जो लेंथ है वो है टेन मीटर तक ठीक है अब सवाल ये है कि ये प्लैंक एक, एक स्मूथ सरफेस पे मान लो एक ऐसा मान लो कि प्लैंक जो है ना वो नदी में है कहीं तो भी ओशन में स्मूथ सर्फेस है का बस अब ये इंसान चल रहा है इंसान चल रहा है इंसान चल रहा है इंसान चल रहा है इंसान चल, चल रहा है अब जैसे जैसे इंसान चल रहा है तो जब ये इंसान दूसरे छोर पे यहाँ पे पहुंच जाएगा मतलब तो आफ्टर सम टाइम दिस इंसान विल मूव फ्रॉम पॉइंट पॉइंट ए टू तो बी तो सवाल ये ये है कि ये प्लैंक कितना डिस्टेंस पीछे खिसकेगा ये क्वेश्चन है देखो ना आप अगर आगे चल रहे हो तो प्लैंक थोड़ा सा पीछे खिसकेगा तो वही सवाल है कि कितना डिस्टेंस एक्स से प्लैंक कहा जाएगा पीछे जाएगा अब ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है तो फाइनली देखो क्या होगा कि जैसे मान लो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इंसा और प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है तो हर जो कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे उसके लिए हम एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते कि जो रेफरेंस लाइन है दिस विल एक्ट एज अवर ओरिजिन ये हमारे ओरिजिन के जैसे एक्ट करेगा सो इट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इट इज एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू ऑल अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे एम वन प्लस एम टू सो वट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंसान का मास कितना है देखो सिक्सटी कितना है सिक्सटी इंटू एक्स क्या रहेगा जीरो क्योंकि इंसान खुद कहा है पे? ओरिजिन पे है यहां का मास कितना है देखो प्लैंक का मास है ट्वेंटी और प्लैंक का, का रहेगा यहाँ से दस सेंटीमीटर का प्लैंक है तो exactly कहीं तो में भी भी रहेगा तो यहाँ पे लिख देते पाँच होल अपॉन एम वन प्लस एम टू क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे एटीन तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ जाएगा बेटा सौ बाय अस्सी दैट इज इक्वस्ट टू फाइव बाय फोर मीटर 5/4 मीटर रहेगा बेटा आपका मतलब यहाँ से 5/4 मीटर मतलब पे, तो पे, पे? पे मतलब कहीं तो भी यहाँ पे ये रहेगा आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना सेंटीमीटर पे 5/4 मीटर पे मतलब मीटर पे सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर पे 5/4 मीटर पे मतलब 1.25 मीटर पे सेंटर ऑफ मास है अब दूसरा सवाल जब इंसान मूव कर रहा है व्हेन 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 द इंसान मैन इज मूविंग On the plank, on the plank, there is there is no external unbalanced force acting. सभी इंटरनल फोर्सेस x ऑफ of हेंस हेंस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा अब देखो अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि एसोलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा जीरो ये हमने कल में बहुत चर्चा कर करके पढ़ा था कि अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका क्या रहेगा बेटा जीरो अगर जीरो इसके दो अर्थ होते हैं कि अगर अगर सेंटर ऑफ मास मूव हो रहा होगा कुछ वेलोसिटी से तो उसी वेलोसिटी से मूव होते रहेगा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तभी भी जीरो रहेगा या फिर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा लेकिन यहाँ पे इनिशियली मैन रेस्ट में था प्लैंक रेस्ट में था सेंटर ऑफ मास भी वही था तो वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे इस केस में जीरो और इसीलिए अगर वेलॉसिटी नहीं है सेंटर ऑफ मास को तो एक्स जो आपका कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का वो कैसा रहेगा बेटा मतलब जहा है वहीं पर रहेगा क्यों क्योंकि उसको कुछ गति नहीं है रेस्ट में है वो तो यहीं पे रहने वाला है तो फाइनल तो सिचुएशन क्या हो जाएंगी कि जब इंसान दूसरे छोर पर पहुंच जाएगा जब इंसान दूसरे छोर पर पहुंच जाएगा तो प्लैंक यहाँ से डिस्टेंस एक्स इतना पीछे आएगा यहाँ से कितना डिस्टेंस पीछे आएगा बेटा एक्स डिस्टेंस पीछे आएगा तो ये वाला जो भी अंतर बच गया ये कितना हो जाएगा मेरा टेन माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा बेटा मेरा यहाँ से टेन माइनस प्लैंक का लेंथ टेन मीटर है ना तो हम हम हमेशा कहाँ से गिन रहे बेटा सेंटर से ओरिजिन से हम हमेशा गिन रहे ठीक है अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो मेरा अभी भी ओरिजिन यही है बेटा और ओरिजिन से मेरा सेंटर ऑफ मास अभी भी कहाँ पर रहेगा यहाँ से फाइव बाई फोर पर ही रहेगा बराबर है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे कि अभी भी सेकंड केस में भी

यहां से पांच मीटर पे है था ना यहां से पांच मीटर माइनस है ना यहां से पांच मीटर पे है तो यहां से कितना होगा, यहाँ से पाँच एक्स, उतना होगा? चार पांच तरीके से बताया तो यहां पर आपका एटी एम वन प्लस एम टू तो देखो सॉल्व कर लेते फोर वनजार फोर कितने जार लिख दो इंटू फाइव कितना हो जाएगा देखो हंड्रेड इजी छे सौ माइनस सिक्सटी एक्स प्लस हंड्रेड माइनस ट्वेंटी एक्स तो ये हंड्रेड से हंड्रेड देखो कैंसिल आउट हो जाएगा ये माइनस सिक्सटी माइनस ट्वेंटी उधर रखे प्लस एटी हो जाएगा बेटा तो एटी एक्स इज कॉस्ट हो जाएगा छ सौ तो एक्स के वैल्यू हो जाएंगे बेटा जीरो से जीरो कैंसिल सिक्सटी बाय एट सिक्सटी एट मतलब ये हो जाएगा बेटा थर्टी बाय फोर थर्टी बाय फोर मतलब हो जाएगा बेटा फिफ्टीन बाय टू मतलब हो जाएगा बेटा, मतलब बेटा साढ़े सात मीटर वापरे तो प्लैंक बेसिकली कहा आ जाएगा साढ़े सात मीटर साढ़े सात मीटर पे प्लैंक आ जाएगा आपका मतलब यहां से यहां से जो प्लैंक पीछे खिसका है वो कितना है साढ़े सात मीटर खिसका है इसका अर्थ पता है आपको क्या है कि जो डायग्राम बने मैंने ये थोड़ी सी गलत है मतलब रेशो प्रवेशन से देखा जाए तो ये जो है ये ये यहां से पीछे ये साढ़े है मतलब इधर सिर्फ ढाई ही बचा है तो इंसान यहां से ढाई पे है इंसान यहां से ढाई पे है और साढ़े सात पीछे पूरा प्लैंक है तो चलो इससे अपन वेरीफाई करके देखिए कि आंसर सही में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो देखो ये हमारा ओरिजिन था थोड़ा ओरिजिन इधर ले लेते हैं अपन जहां से अपन सब चीजें गिन रहे और ये प्लैंक फाइनल कुछ इस तरह से रहेगा है ना यहां पर रहेगा आपका इंसान सिक्सटी के का जो ओरिजिन से टू मीटर पे है ये पूरा दस मीटर है यहां ये यह पूरा दस मीटर अपन यहां से गिन रहे हैं बराबर है तो ये पूरा दस मीटर है तो इसका सेंटर कहे तो भी यहाँ पे रहेगा प्लैंक का सेंटर ऑफ मास अब देखो यहाँ से ये यह पाँच पे है और यहाँ से ये यह प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहाँ से कहाँ पे पाँच पे है हम गिन रहे बेटा यहाँ से चीजों को हम कहाँ से गेंद रहे यहाँ से गेंद रहे और जिंद से गेंद रहे बराबर है ऑरिजिन से गेंद रहे ये ढाई मीटर पे है और ये कितना है बेटा पाँच पर तो पाँच में से ढाई गए तो प्लैंक का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर बेटा ढाई मीटर पे है चलिए निकाल लेते यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा सिक्सटी इंटू टू पॉइंट फाइव Plus, इसका मास मास कितना कितना है है क्यों क्योंकि ओरिजिन पीछे अपॉन टोटल आपका तो यह हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ऑफ सेंटर मास हो 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 जाएगा यह हो जाएगा बेटा आपका प्लस प्लस माइनस 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 कितना हंड्रेड बाई एटी जीरो से जीरो कैंसिल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जाएगा आपका बाय 4 मीटर्स बाय मीटर्स। क्लियर हो रहा है शायद से आपको एक न्यूमेरिकल नहीं तो टेंशन ना लो एक बार वापस देख लो फास्ट करके है ना नहीं समझा होगा तो मैंने उसको वैसे स्लो स्लो ही समझाने की कोशिश किया और लिख लिख के समझाने की यहाँ पे कोशिश किया ठीक है सो दिस विल बी दिन यहाँ पे हम रुक जाएंगे छोटा सा वीडियो था है हमारा सेंटर ऑफ मास मार्सलैथ ये बस एक स्पेशल न्यूमेरिकल मुझे यहाँ पे लेना था स्पेशल एस पी ई सी आई एल स्पेशल न्यूमेरिकल बढ़िया कॉन्सेप्ट है ठीक है।, है चलिए अगले इसमें अपन पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिज दैट इज भिड़ंत ठीक है तब तक पढ़ते रहिए नोट्स निकालते रहिए न्यूमेरिकल जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लगाइए और अपने लक्ष्य की ओर स्लोली कम ना हो लेकिन आगे पढ़ते रहिए बाय